हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शबी रॉक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की मेरी ये जो वीडियो है, ये आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पहले ही यूज़ के बाद काफ़ी हद तक कम कर देगा। और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर लेते हैं, हफ्ते में एक एक बार करके एक महीने में यूज़ करते हैं, मतलब महीने में चार बार यूज़ कर लेते हैं, तो आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। ये इतना अच्छा है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 फ्रूट, जैसा कि आपने देखा कि मैंने लिया था कुछ स्लाइस ऑरेंज के साथ साथ थोड़ा सा मैंने बनाना लिया, और बनाने को मैंने छिलके के साथ ही लिया है। और मैंने ले लिया है 2 to 3 टेबलस्पून पोमोग्रेनेट। और ये तीनों ही फ्रूट हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने इन्हें कुछ खास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने चॉपर में चॉप्ड कर लिया है। वजह इसके पीछे कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये थोड़ा आसान हो जाए, मैं इसे आसान बनाना चाहती थी आपके लिए, इसीलिए मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया, इसे मैंने मिक्सी में पीसा नहीं है, जबकि मैंने इसे चॉपर में थोड़ा सा चॉप्ड कर लिया है, ताकि जो पोमोग्रेनेट है उसका बीज सिर्फ और सिर्फ दरदरा रह जाए। ये जब दरदरा रह जाएगा तो ये आपका जो भी ब्लैकहेड्स होते हैं, व्हाइटहेड्स होते हैं, उसे भी इजीली उतार देगा, क्योंकि इससे आप स्क्रबिंग बहुत अच्छी कर लेंगे। तो इस पेस्ट को यूज़ करते वक्त आपको, जैसे हमें फेशियल में जनरली 5 जो हम स्टेप करते हैं, स्क्रबिंग करना, ये सब जो फेस पैक वगैरह हम लगाते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस पेस्ट को आपको बना लेना है और इसे अपने चेहरे पे सर्कुलर मोशन में करते जाना है। सिर्फ इस पेस्ट को आप सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से जब अपने स्किन में करेंगे, एब्जॉर्ब होता जाएगा धीरे धीरे, तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो देगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑरेंज, जिसमें होता है भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी, जो कि हमारे पिंपल्स के ऊपर, हमारे ओपन पोर्स के ऊपर और साथ ही साथ हमारे पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है और हमें प्रोवाइड कराता है बहुत ही खूबसूरत ग्लोई स्किन। साथ यहाँ मैंने ले लिया है बनाना, जिसमें होता है स्किन वाइटनिंग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में है और एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ पोमोग्रेनेट में भी होता है एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए भरपूर मात्रा में, जो हमारे स्किन को बहुत ग्लोई कर देगा, एकदम ही ग्लोई कर देगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स जो वीडियो है उसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर मैं इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगा रही हूँ, अपने हाथों पे लगा रही हूँ, साथ ही साथ अपने गर्दन के आसपास और गर्दन के जो पीछे का एरिया होता है वहाँ पर भी लगा रही हूँ। और बहुत अच्छे से 5 मिनट का हमें मसाज देना है, ताकि ये पेस्ट जो है पूरी तरीके से हमारा जो स्किन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, उससे जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे वो हमारे स्किन के अंदर तक चले जाएंगे। तो आपने देखा होगा मैंने एक पिक लगा दी थी, जो मैं इस पेस्ट को लगाने के पहले की पिक है, वहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे गर्दन के पास में कितना काला है, कितने काला धब्बा सा बन गया है। तो उस कालेपन को पूरी तरीके से ये ख़त्म करेगा। मैं नहा के आने के बाद की तुरंत की क्लिप इसके बाद एड ऑन कर दूँगी, ताकि आप देख सकें कि मेरे गर्दन के आसपास का एरिया कितना साफ़ हो गया है। बिल्कुल गीले हैं, आप देख ही रहे हैं, मैं नहा करके आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले आपको मैं दिखा दूँ कि चलने में कितने चेंजेस आए हैं। तो आप देख लीजिए मेरे पास हो, तो काफ़ी अच्छा हो गया है ना, ग्लो भी कर रहा है और स्मूथ भी लग रहा है मुझे। स्पेशली मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी गर्दन के पास के एरिया बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, बट एक ही यूज़ के बाद काफ़ी स्मूथ हो गया है। आप देख रहे हैं कालापन जो है वो बहुत काफ़ी हद तक ये दूर हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी देर पसंद आ रही है, वैल्यूएबल लग रही है, तो प्लीज़ शबी रॉक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी आपके लिए। और प्लीज़ मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है आपके सजेशंस, आपके कमेंट। तो आपको जैसा भी मेरा वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या आपको लगता है कि उसमें इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या आपको किस तरीके के चाहिए वीडियोज़, किस टॉपिक पे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बताएं। क्या मैं ये डीआईवाईज वगैरह के साथ कंटिन्यू रखूं या कुछ और चेंजेस करूं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो स्टे ट्यून्ड विद शबी रॉक्स, बाय बाय।